हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एड्स एक्सचेंज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सब में से ढेर सारे कमेंट आया है, मैसेज आया है, कॉल आया है कि सर एड्स एक्सचेंज में किस तरह से जो है फंड ऐड किया जाता है और किस तरह से जो है आईडी टॉपअप किया जाता है, यानी कि आईडी को एक्टिव किया जाता है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो ऑल ओवर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके ऑल कर दीजिए ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एड्स एक्सचेंज में किस तरह से आप अपने आईडी को या फिर किसी और के आईडी को जो टॉप अप कर सकते हैं, यानी कि एक्टिव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है एड एक्सचेंज में इस तरह से हम लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड फिलअप कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिलअप कर दिए हैं और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सफलतापूर्वक हम लॉगिन हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फंड ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फंड को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा चीज़ शो करता है। तो चलिए हम यहाँ से जो है अकाउंट नंबर को कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, और हम अपना यहाँ पे जो है फ़ोनपे को ओपन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना फ़ोनपे ओपन करते हैं कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे अपना फ़ोनपे ओपन कर दिया है और यहाँ पे जो है टू बैंक UPI आईडी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो इस तरह से जो है टू बैंक UPI आईडी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहले सर्च करना है यस बैंक। तो यहाँ पे हम यस बैंक इस तरह से सर्च कर लिए हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर को हम पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, और फिर से यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर को हम इस तरह से पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर IFSC कोड हम फिर से वहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए हम फिर से एड्स एक्सचेंज पोर्टल पर जाते हैं, यहाँ से हम IFSC कोड इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे जो है IFSC कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और नीचे अकाउंट होल्डर का नेम सारा चीज़ हम डाल देते हैं फटाफट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम सारा चीज़ डाल दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड डाल करके यहाँ पर हम पे कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमने जो है 1000 रुपया सक्सेसफुली जो है यहां से ट्रांसफ़र कर दिए हैं कंपनी के अकाउंट में, और उसके बाद फिर से हम पोर्टल पर जाते हैं, यहां पर डन करते हैं, और उसके बाद हम फिर से जो है एड्स एक्सचेंज के पोर्टल पे हम ओपन करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं हम ओपन कर दिए हैं। चलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉपअप वॉलेट में मेरा 0 दिखा रहा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1000 रुपया जो है यहाँ पर टॉपअप वॉलेट में आ गया है। अब जो है टॉपअप करने के लिए, यानी आईडी एक्टिव करने के लिए, ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपअप, तो टॉपअप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे टॉपअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे यूजर आईडी, तो जिसका भी आईडी को आप एक्टिव करना चाहते हैं अपना या किसी और का, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना होगा सॉरी। तो चलिए हम यहाँ पर जो है सबसे पहले एक आईडी को जो है डाल देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आईडी डाले हैं यहाँ पर नेम ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर नीचे ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो भी आप रजिस्ट्रेशन करने टाइम आपको मिला होगा वो आपको डालना है, और टॉपअप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है पासवर्ड भी डाल दिए हैं, और टॉपअप नो विथ 1000 वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो बता रहा है योर श्योर, तो यस करना है आपको, और जैसे यस कीजिएगा तो आप यहाँ पर जो है टॉपअप इस तरह से सक्सेसफुली हो जाता है। चलिए हम यहाँ से पहले डन कर देते हैं, और यदि आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे आईडी एक्टिव हुआ है नहीं हुआ है, तो इसलिए ऊपर आप ऊपर में देख सकते हैं 3 लाइन, तो इस यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं, और उसके बाद जो है नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी अभी हम जो है 1000 रुपया टॉपअप किए हैं वो भी शो कर रहा है, और यहाँ पर जो हमको लेवल इनकम था वो भी यहाँ पर ऊपर में मिल गया है। तो इस तरह से जो है बढ़िया आसानी से अपना या किसी और को आईडी को जो है आप टॉपअप कर सकते हैं, यानी कि एक्टिव कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप जो है एड एक्सचेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके आप बढ़िया आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।